इंडस्ट्रीज है, सीगर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, दो टेंडर उनके थे, उन्होंने डाले होंगे। एनालिटिकल सिचुएशन जो कि मैसर्स जीएम खान फर्नीचर की है और मैसर्स हसन ट्रेडिंग और एमएस मैसर्स सैम स्टेटर गुजरात, इन लोगों ने वो टेंडर दिए और उन टेंडर के नतायज जो आए हैं वो भी आपके साथ शेयर कर लूं कि आपको पता चले कि चीन वाली प्राइस याद है ना आप सबको, $19.36 इनकी प्राइस आई। एमएस ओरिएंटल फर्नीचर वर्क, इसकी ड्यूल डेस्क फॉर क्लास 6 to 10, क्वांटिटी 14,060, यूनिट कॉस्ट 10,764 रुपए। ये पुराने वाले टेंडर की बात कर रहा हूं जो रिजेक्ट किया था इन्होंने। एमएस न्यू एपेक्स वुडवर्क, इसकी प्राइस 14,060 और यूनिट कॉस्ट क्वांटिटी 14,060 और यूनिट प्राइस 8,783 रुपए। फाइन फुटवर्क्स वालों की प्राइस 8,410, रिजवान फर्नीचर 7,000, जमील फर्नीचर मार्ट 6,860, फेयर साइंटिफिक कंपनी जो है 9,886 और पाक सन 9,540। कमाल की बात है ये कि ये सात कंपनियों में से किसी एक कंपनी ने दोबारा टेंडर में हिस्सा नहीं लिया। क्या हुआ पिछले टेंडर में? ये दो दो एनवलप वाला टेंडर होता है, पहले प्री क्वालिफाई होते हैं और उसके बाद अगली दफा टेक्निकली जब क्वालिफाई होते हैं तो फिर फाइनेंशियल बिड दी जाती है। जितनी कंपनियों ने पहले वाले टेंडर में हिस्सा लिया उनमें से किसी एक ने भी दोबारा वाले टेंडर में हिस्सा दे लिया, उसकी वजह कोई हमें समझा दे। क्या वो कंपनियां मर गई हैं या कंपनियां खत्म हो गई है? और अगर वो खत्म हुई गई है तो ऐसी कंपनियों को तुमने प्री क्वालिफाई कैसे किया और इनको डिस्क्वालिफाई क्यों किया दूसरे टेंडर के लिए? ये वो सवालात हैं जिसका हम जवाब ढूंढते फिर रहे हैं हुकूमत सिंध के साथ। और आपसे जो हमने सवालात किए हैं, एक हमने इनकी कमीशन को रद्द करते हैं, नहीं मानते, हमें सवाल दे कि ये 20 लाख बच्चों को कब डेस्क मिलेंगे। हमने उनको सोर्सेज भी बता दी, चाइना की सोर्स भी बता दी, पैसे भी बता दिए। अगर इनसे ये काम नहीं होता हमारे जिम्मे ये काम दीजिए, हम जो है इंशाल्लाह चाइना से भी फर्नीचर, मलेशिया, वियतनाम और खुद पाकिस्तान में भी जो लोग हैं उनमें भी ये सलाहियत मौजूद है कि वो इस कीमत पे मुकाबला करके फर्नीचर दे सके, लेकिन बंद यती का कोई इलाज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हलीम भाई, आप कुछ करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं शुक्रगुजार हूं अल्लाह ताला का कि इस शहर कराची के लोगों को, कराची आइट्स को, सिंध के आवाम को एक हमें कोई इस किस्म की ट्रांसपोर्ट कल मिलने की उम्मीद हो गई है जिसमें हमारी बहन बेटियां बुजुर्ग जो है एक अच्छे अंदाज में इज्जत से अपना सफर तय कर सकेंगे। और फिर कहूंगा शुक्रिया इमरान खान कि आपने कराची शहर के आंसुओं पे आपने पोंछे, आपने हमारे जख्मों पे मरहम रखा। और कल हमने देखा कि ग्रीन लाइन की बसें जो हैं पहला उसका पहुंच चुका है हिस्सा उसका 40-42 बसों का और इंशाल्लाह चंद दिनों में दूसरी बसें भी आ रही हैं और अक्टूबर में इंशाल्लाह ये टर्मिनल हमारा ये बस हमारे बीआरटी सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। स्टेशन बन चुके हैं, उसके सारा काम हो चुका है, लेकिन वो तो सब कल बता चुके आप। अब मैं पूछना चाहता हूं वजीर आला साहब, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर साहबान, बिलावल जरदारी साहब, पूरे पाकिस्तान में सारे पाकिस्तान का काम उन्हें खाए रखता है, आप बताइए 2015-16 में ही हमने अनाउंस किया था, आपकी भी बहुत सारी लाइन्स आपने अनाउंस की मुख्तलिफ दिनों में, रंग बिरंगी रेनबो लाइन्स आप करते रहे, ऑरेंज लाइन, रेड लाइन, येलो लाइन, बेनजीर भुट्टो लाइन और ब्लू लाइन, लाड़काना लाइन, पता नहीं कौन सी लाइन, चलिए बकिया को छोड़ दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं कि ऑरेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी और हलीम आदिल शेख की मीडिया से गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे हैं। उनका कहना है कि सिंध हुकूमत जवाब दे कि 20 लाख बच्चों को डेस्क कब मिलेंगे। इसके अलावा उनका कहना था कि सिंध के आवाम को अक्टूबर में बीआरटी सर्विस शुरू की जाएगी। इन्होंने एसआईडीसीएल के जरिए मंगाई है जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, बसेज जो हमारे जिम्मे लगा वफाक गरीब हमारे जरिए मंगवाई है।
अक्टूबर में ग्रीन बस सर्विस मुकम्मल तौर पर फाल हो जाएगी। वजीर आजम इमरान खान के मशकूर हैं कि उन्होंने सिंध के आवाम के आंसू पोंछे। सिंध के आवाम को आसानी फराहम करने के लिए अक्टूबर में BRT सर्विस शुरू की जा रही है। ये कहना था PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी और हलीम आदिल शेख की मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिजा कर रहे हैं। आप लोग जो है रेवेन्यू जनरेट करते हैं और उसके बाद आप लोग इसका जुल्म करते हैं। मैं जवाब मांगना चाहता हूं। ये हमारी एक बहन आई हुई है, क्या कहना चाह रही है बता दें। आ जाए, क्या मसला है आपके साथ? अरे बताए इधर आके, सामने खड़े हो आके, इधर क्या मसला है? अभी पकड़े इधर आके, इधर आ जाए, क्या मसला है आपका? बता अच्छो अभी अच्छो अभी अच्छो अभी अच्छो बताए बताए क्या बताए बताए हम आपके साथ आपकी बात खुल के करे आए सुकून का बुधाए वाणे अम्मा बुधाए वाणे बताए सतल सिंधी का बताए हम हिंदू हैं आगे 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 बाबा है लारकाना से उर्दू बता दे हम लारकाना से आए हैं। हमारी जमीन पे कब्जा है 60 सालों से। सुप्रीम कोर्ट से दो दो आर्डर हमारे हक में आए हुए हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने हमें कब्जा भी दिलवाया, लेकिन वहाँ पे लोकल वडेरे और लोकल इंतजामिया हमें कब्जा देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म है। हमें बोलते हैं दिर्गा करो सिंध में, और तुम्हारे पास कोई मसला हल नहीं है, और आपको हमें ये धमकी दी जा रही है आप सिंध में नहीं रहो, आप हिंदू हो इंडिया चले जाओ। लेकिन हम इंडिया नहीं जाना चाहते, हमारा हक है, हमारे पास कागजात मुकम्मल है, हमें हमारी जमीन वापस दिलाई जाए। हमारी FIR कटी हुई है, 2 सालों से हमारी FIR नहीं हो रही थी। हमारे बेटे को धमकियां दी जा रही हैं सिंध वालों से। ये हमारे पास दो दो सूरी भाई और ये कैलाश कुमार सदात को, ये पीपुल्स पार्टी वालों ने हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। हमारी जमीन हमें मिली, ये पीपुल्स पार्टी वाले हमें बोलते हैं दिर्गा करो सिंध में। 7 साल हुए हमें जमीन मिली है, सुप्रीम कोर्ट का दो दो ऑर्डर है हमारे पास। ये मेरी FIR कटी हुई है दहशतगर्दी के, ये नामजद दबावदार है, ये देखो ये घूम रहे हैं वहाँ पर। ये हमें बोलते हैं तुम आओ गांव में, तुम्हें देखते हैं। किसके लोग हैं ये? वहाँ के ये पीपुल्स पार्टी के वडेरे हैं, ये उनके लोग हैं, ये इम्तियाज अली बिरोही ये नादर मक्सी के वोटर हैं और हम PTI के वोटर हैं, इसलिए ये हमें सजा दी जा रही है। हम बोलते हैं इमरान खान साहब को गुजारिश करते हैं हमारी जमीन वापस दिलाई जाए, ये हमारी FIR है। हम पंजाब गए थे, हम इस्लामाबाद भी उधर गए थे, महीना एक हम उधर रह के आए हैं, हमारी इधर कोई नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है हमारे पास, क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? हमारे कट्टी से बात कर रहा हूँ, गलाए दो लड़का के राय की है, हिंदू लोग हैं हम। आप लोगों को पता है कि जो अकलियतों के चैंपियन बनते हैं उनकी एक लोग कहानी का ये देख लिया। हमें एक अपनी बेटी उम्मे रबाब का भी यहाँ जिक्र करना जरूरी समझता हूँ कि उसकी स्ट्रगल भी आप मीडिया के सामने है कि उसने ये चांदियो हजरात के खिलाफ जो जद्दोजहद की, कितने जद्दोजहद के बाद उसकी वो FIR कटी और वो माना गया कि वो भी मुजरिम है और अब केस चलेगा। तो ये इंसाफ मांगती है। इसके ऊपर मैं चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा करता हूं कि उनके फैसले सुप्रीम कोर्ट के इतलाक के लिए वो फौरी तौर पे चीफ मिनिस्टर से कहें कि हमारे फैसलों के साथ खिलवाड़ मत करें, इन मजलूमों को उनका हक मिलना चाहिए। ये पाकिस्तान के झंडे के अंदर एक हिस्सा सफेद है जो अकलियतों की नुमाइंदगी करता है। हमें बहुत अफसोस है कि अकलियतों का हक पामाल किया जा रहा है इस सूबे सिंध के अंदर, और मैं मुतालबा, मुझे हुकूमत सिंध से कोई उम्मीद नहीं है, मैं सिर्फ चीफ जस्टिस साहब की तरफ देखता हूं कि आपके फैसला है, अगर आपने फैसला नहीं किया होता तो हम एहतजाज करते, लेकिन फैसला तो आ चुका है, अब एहतजाज किस बात का? अब फैसले का इतलाक भी करवाना आपकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल आते हो? पाकिस्तान का झंडा अकलियतों की निशानदेही करता है, सिंध में अकलियतों के हुकूक पामाल किए जा रहे हैं।